जमूर रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। महिला समिति जिंदाबाद, गांव गांगरोली शाखा। हाँ, अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। गांव में ये सब हो रहा है और ये ठाकुर वगैरह सो रहे हैं। समिति जिंदाबाद, लगान दो इश्तहार इन सुसरियों को, जितने मर्जी इश्तहार लगाएं, यहां पढ़ना ही किसे आवे। इसी तरह ही शुरू होते हैं लफड़े ठाकुर साहब। पहले ये महिला समितियां बनी, अब ये पोस्टरबाजी शुरू। कल कुछ और होगा, इसलिए कहता हूं वक्त रहते ही चेत जाइए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे छोड़ो भी दानवीर बाबू, हफ्ता 10 दिन में सारा जोश ठंडा आ जाएगा। अरे छोड़िए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, जब ये शिक्षा केंद्र की बात उठी, जब भी आपने यही कहा था कि हफ्ता 10 दिन से ज्यादा ना चलने का। आज कितने महीने हो गए, और वो जो सिलाई सेंटर में 10 दिनों आवे हैं, कल ना वे भी पढ़ने बैठेंगी, कौन रोकेगा उन्हें? ठाकुर साहब, ये शिक्षा केंद्र हमें ले डूबेगा, ले डूबेगा। और अब ऊपर से ये महिला समिति, सांप को बचपन में ही मारने में अकलमंदी है ठाकुर साहब। मुझसे पूछो, मैं तो शहर में ये खुराफात बहुत भुगत चुका हूं। जिधर ये यूनियन और ये समितियां बनी, इन कमीनों के तेवर ही बदल जाते हैं। छाती पे चढ़ के बात करते हैं, छाती पे। हमने तो सुना है कि जब गिद्दड़ के दिन आए तो वो शहर की तरफ भागे, मगर यहां तो उल्टा ही हो रहा दिखे। शहर में महिला समिति वालों ने जब अपने दानवीर बाबू की खाट खड़ी कर दी तो वो गांव की तरफ भागे, और यहां पता चला कि महिला समिति पहले से ही यहां पहुंची हुई है। ठाकुर साहब, दानवीर का धंधा चले या रुके, हमें उससे क्या, पर गांव की तो सोचनी पड़ेगी। गांव तो आज भी गांव है। क्यों? क्योंकि गांव में आज भी परंपरा का जोर है, ऊंच नीच का फर्क है, बड़े बूढ़ों की इज्जत है, पुराने रीति रिवाज हैं। हमारी औरतें आज भी सिर ढक के और घूंघट काट के आवे, और अगर गांव में भी यूं शहरी हरकतें शुरू हो गई तो बच लिया सब कुछ। अब आप ही सोचो ठाकुर साहब,
बहू बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कब तक बची रहेगी उनकी लाज शर्म। और ठाकुर साहब, ये जो गांव में आपकी इतनी इज्जत है, इतना दबदबा है, ये भी तभी तलक हैगा जब तलक गांव गांव है। ये पोस्टर, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब गुण की तरह खा जाएगा हमारे गांव में। तो तुम चाहते क्या हो? इन्हें महिला समिति बनाने से रोका तो जा नहीं सकता। ना ठाकुर साहब, ना, महिला समिति बनाने दो, खुशी से बनाने दो, पर औरतों को महिला समिति का मेंबर बनने से और शिक्षा केंद्र जाने से तो रोक लो। फिर वही बात है, कैसे रोक लो भला? बताता हूं ठाकुर साहब, बताता हूं। चचा सलाम। रहमान। अरे चचा, आप? अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। मैं बैठने ना आया, तुझे तो बातें बताने आया हूँ, कान खोल करके सुन। तूने अशरफी से निकाह किया हमसे बुजुर्गों से मशवरा किए बगैर? हम खामोश रहे, हालांकि उस यतीम और आवारा औरत से तेरे निकाह के खिलाफ है। चचा आंखें मत ना दिखा, जो बताया जा रहा है वो सुन। अब जब निकाह पढ़वा ही लिया है तो उसकी हरकतों पे पाबंदी लगा। हरकतें? कैसी हरकतें? हरकतें? अरे इन गैर धर्मी औरतों के मदरसे में बैठना उठना क्या कम था, जो कि होली के रंग भी बेचने शुरू कर दिए। तो इसमें बुरा क्या है? अपनी मेहनत से चार पैसे कमा लाती है, ये बिरादरी की खैरात में पलने से तो बेहतर है। बेहतर है? क्या बेहतर और क्या बदतर? तुझे दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? मुसलमान बीवी के फर्ज फिर से सिखाने पड़ेंगे क्या? बुरखा पर्दा तो कमबख्त ने कभी करा ना, और अभी ये हिंदू त्योहारों में शामिल होना, कहता है बेहतर है। चचा होली पूरा गांव खेलता है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही पैदा ना होता। जब काम कर रहे हैं साथ साथ तो त्योहार भी मनेंगे साथ साथ। अच्छा एक बात बताओ, हमारी ईद बकरीद पे पूरा गांव शामिल ना होता? मैं तेरी नसीहत सुने तो आया ना जहां पर, तो उसका खाविंद है, इस करके मैं कहता हूं बंद करवा ये खुराफात, वरना बिरादरी बाहर करवा दूंगा, फिर ना देखने का तू मेरा भतीजा आएगा। चचा जाते जाते एक बात मेरी भी सुन लीजिए, कान खोल के। बीवी होने के नाते मेरी बराबर की जीवन साथी है वो। जीवन साथी? जीवन साथी में वाना पड़ा जी, वही तो जहाँ लिखा है क आ की मात्रा चंद्र बिंदु व गांव। तुझे तो कुछ भी याद ना रहता है, जे देख तो जे भूल गई। जीवन साथी, जीवन साथी तो जे बा है ना। हाँ वही तो माँ जान लिखा है। हाँ असल में जे बालक के बा जैसे लगे है, जब ही चक्कर में खा गई। बालक के बा जैसे कैसे लगे है? जे देख मैं तेरे को बताती हूँ, जे जे है बा है, बा का पेट कटा हुआ है जा है के ना। अच्छा जे है वा, वा का पेट साबुत है कि ना। हाँ समझ गई। रमेश का गांव था गांगरीली। वाना गांगरोली, गांगरोली जे तो ओ की मात्रा है कि ना। मुँह को तो सभी एक ही जैसे लगे हैं। मुँह को तो सभी एक ही जैसी लगे हैं। जे देखियो तो जे बड़ी की मात्रा ऐसी हुए है, छोटी की मात्रा ऐसी हुए है, और जे ओ की मात्राएं हैं, और जे तीनों ही मात्राएं एक दूसरे से अलग है कि ना। है तो सही, है तो सही। तो फिर अरे तू तो अपनी अम्मा को ही पढ़ाने लगी, शर्म ना आती? इसमें शर्म की क्या बात है सोना रे, उल्टे तो खुशी की बात है। क्यों तुझे खुशी ना है रे, तेरी छोरी आज इस लायक है। बाजी सुशीला बाजी, सुना तुमने क्या हुआ? अरे उम्र में नहीं सिलाई के अंदर आने को मना कर रहे हैं। क्यों क्यों मना कर रहा? अरे ये मुल्ला जी धमका के आए हैं उसे,
पहले रहमान को धमकाया कि मेरा शिक्षा केंद्र पर जाना मना करे, जब रहमान ने भगा दिया तो बड़े मियां से कहा कि बिरादरी से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? उमर इलाही और हमारी बिरादरी फर्क है क्या जो निकाल देंगे? मैं अभी चलूं? हाँ हाँ चल, जरा पता तो चले ये मुल्ला जी किसके इशारे पर बिरादरी बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। देखो बेटा, मेरी सारी उम्र यहां बीत गई, गम खुशी सब में बिरादरी वालों का साथ रहा है। मैं मुल्ला जी की बात को ऐसी ना टाल सके हूं, अगर उन्होंने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? आदमी को भाई बंदों के साथ रहना हो गया बेटा, और अब मेरी जो उम्र ना है कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधू और नाक की सीट में निकल जाऊं और कहीं और जाकर के अपनी जिंदगी शुरू करूं। मुझे तो बेटा यही जीना है, यही मरना है बिरादरी वालों के साथ। अच्छी चचा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम बिरादरी के बाहर हैं। हम भी तो तुमसे कुछ कह रहे हैं कि ना, पर ना मुल्ला जी ने घुड़की क्या लगा दी, तुमने तो एकदम हमसे मुंह ही मोड़ लिया। चचा सब जाने हैं, जे सब ठाकुर और कामता के कहने पे हरा है। अब जेई मर्जी है ठाकुर साहब की तो मुझे मंजूर है, तीन पुश्तों से उन्हीं का नमक खाया है। फिर वही बात, अरे कोई निखट्टू जे बात कहे तो भी मैं मान लूं। चचा तुमने तो सारी उम्र गुजार दी है रात दिन कपड़े सिल के, अपनी आंखें तक खराब कर लिए ठाकुर जी के बेगार बजाते, और अब फिर वही रट ठाकुर जी का नमक खाया। अरे क्या किया है ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए? दिया है? अरे ठाकुर क्या देगा, उसे तो बस खसोटना आवे। उस कंबखत दानवीर के चंगुट से निकलकर पहली बार अपना धंधा शुरू किया, अरे ऐसी करके जला पड़ा है वो। अरे वो नहीं चाहता कोई अपने पांव पर खड़ा होए, इसीलिए तो मुल्ला जी से फतवा दिलवा दिया। कमला तो ठीक कहती है, ठाकुर साहब मुझसे नाराज है। गलती मेरी थी कि मैंने अपनी औकात के ऊपर सोचा, आदमी को अपने आप ही में रहना चाहिए। अब मैं तो तुम्हारे केंद्र पे नहीं आने का। देखो चचा, छोटा मुंह बड़ी बात तो मैं करना नहीं चाहती, पर तुम्हें एक बात बता दूं। अरे तुम ये सोच रहे हो कि ठाकुर तुमसे नाराज है? अरे नहीं, ठाकुर तो महिला समिति से परेशान है। अरे ये नहीं चाहता वो कि उसके बटाईदारों की और मजदूरों की औरतें अपने बलबूते कुछ कर ले। अरे याद ना है तुम्हें जब किसान सभा बनी ही और ये खेत मजदूर यूनियन बनी, तब भी तो भेजा गया मुल्ला जी को घर घर खुदा का डर दिखलाने, जे अपने पंडित लक्ष्मी नारायण रे पहली बार हरिजन मोहल्ले में पहुंचा और कितने कितने पुराण बाचे ही। अरे चचा इन लोगों को यूं लगे है कि अगर ऐसे कामों में औरतें भी उतर गईं तो इनका तो सिंहासन डामाडोल है जाएगा, अगर औरतें पढ़ लिख गईं तो फिर कौन काटेगा कौड़ी के भाव में इनकी फसलें, और कौन कामता को बेच लेगा उन्हें पौने दाम में अपनी फसलें, और कौन इन पंडित और मुल्लाओं से गंडता बीज बंधवाएगा, अरे कौन करा लेगा फिर टोने टोट के। अरे देखो चचा जरा सोच के देख लो, तुम भी हम ही में से एक हो। अरे अब जब हम मिलजुल के कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा साथ दो, अरे इनकी धमकियों में तो मत ना आओ। उमर भाई कमला ठीक ही कहवे है, गरीब का साथ गरीब ही देवे है। अब मेरी तो नमाज का वक्त है जगह है का। सिलाई के अंदर तो आप खत्म ही समझो। दब्बू है हमारे लोग। ना रे यासी, दब्बू नहीं है, वक्त आने पे जेई लोग शेर भी बन सके। एक बार इनके भेजे में जे बात बैठनी चाहिए कि तुम्हारे किए से कुछ है सके, और यही बात हमें समझनी है कि उमर चचा जैसे लोगों को कैसे समझावे कि तुम कमजोर नहीं हो। पर कमला केंद्र का क्या होवेगा? केंद्र खुलना तो अब इज्जत का सवाल है गया सुशीला। केंद्र खुलेगा जब भी लोगों के दिमाग से ठाकुर का डर निकलेगा, केंद्र तो अब हर कीमत में खुलेगा। हरी पर चलावेगा कौन? मैं चलाऊंगी। बड़े मियां को होगा खौफ ठाकुर का, वो इन्हें पुश्तों से अंगूठी तले दबा के रखा है इन्हें, उनकी रगों में होगा ठाकुर का नमक। पर मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाई है,
मैं न डरूं उस मुए भवानी से। हाँ कमला बेटी तू बेफिक्र होके जा, किसी भी लड़की को भेज देना मेरे पास। हफ्ते भर में पक्की दर्द न बना दिया तो थूक देना रशीदा बी के नाम पर। हाँ नहीं तो। बड़ी बी आपका दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ मेरा दिमाग चल गया है, जंग खा रहा था इतने बरस घर में पड़े पड़े। जाओ करो चुगली अपने आका ठाकुर से, करो शिकायत मुल्ला जी से, कह दो मेरी बुढ़िया पगला गई है, कह दो उसने बगावत कर दी है आपके नमक के खिलाफ।